हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक और नई माइनक्राफ्ट की हॉरर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। सो चलो चलते हैं अपने घर के अंदर एंड देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वेट, ये क्या है? ओ माय गॉड, एलेक्स तुम्हें किसने मार दिया? गाइस, किसी ने एलेक्स को यहाँ पे देखो कितनी गंदी तरह मार दिया है। लेकिन ये सब किसने कर रहा है भाई? यार ये क्या हो गया यार, आते ही मेरे साथ। ओ भाई, मैं वर्ल्ड में एंटर हुआ हूँ, ये क्या हो गया? मतलब मेरे से पहले एलेक्स मेरे वर्ल्ड में आ चुकी थी। सो गाइस, मैं इस बात का पता लगाने के लिए जंगल में घूम रहा हूँ कि आखिर वो कहाँ चला गया जिसने कि एलेक्स को मारा है। वो यहाँ पे कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है मेरे को। मैं पूरा जंगल घूम चुका हूँ, लेकिन अगर वो होता तो यहीं कहीं होता यार। वैसे वो यहाँ पे तो कहीं है नहीं, फिर वो कहाँ पे होगा यार? मेरे को कुछ नहीं पता यार, लगता है वो इधर ही कहीं पास में होना चाहिए, लेकिन मेरे को वो अभी तक नहीं मिला। गाइस, पता नहीं कहाँ मिलेगा यार वो। लेकिन वो है कौन जिसने एलेक्स को इतनी बुरी ये कौन है क्रीचर? ओ भाई, गाइस कौन है कमेंट करो प्लीज। अबे नहीं, अबे छोड़ दे मेरे को प्लीज प्लीज भाई, नहीं तू कौन है? शिट यार, मार दिया इसने मेरे को। सो गाइस, एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त स्टीव के घर पे, देखता हूँ वो घर पे है या फिर नहीं, और फिर हम दोनों साथ में मिलकर जाने वाले हैं माइनिंग करने के लिए। हेलो स्टीव, प्लीज ओपन द डोर, गेट खोल भाई, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी खोल, टाइम नहीं है यार। अबे खोल दे यार, बहुत देर हो गई है। हेलो भाई, गेट को खोलेगा फिर नहीं खोलेगा आज? अबे चल मैं ही खोलता हूँ। वेट, ये क्या है? ओ ओ भाई, तेरे साथ ये क्या हो गया? गाइस ये क्या है, इसके पैर पड़े हुए हैं यहाँ पे, अबे इसके लेग्स यहाँ पड़े हुए हैं, बॉडी का है इसकी, लेकिन इतनी खतरनाक मौत किसकी भाई? कौन कर रहा है मेरे वर्ल्ड में यार? ये कौन आ चुका है हमारे वर्ल्ड में यार? ये सब कौन कर रहा है, कोई मेरे को बताएगा प्लीज यार? मेरे दोस्त स्टीव को भी एक मार दिया उसने। गाइस यार प्लीज आप लोग मुझे बताओ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। लेकिन वहां पर देखो ये मकड़ी के जाले, मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ वहां से लेके यहाँ तक, और ये जाले मेरे को सामने उस बहुत बड़ी केव के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है उस केव के अंदर कुछ तो खतरनाक सा है भाई, जो कि मेरे को जानना ही पड़ेगा, और जानने के लिए मुझे इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मुझे इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा अपनी जान को खतरे में डाल के, क्योंकि गाइस जो होगा वो अब देखा जाएगा, मुझे इसके अंदर एंटर करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गो गाइस, मैं एंटर कर चुका हूँ इसके अंदर, और मेरे को अभी तक कुछ खतरनाक, ओ एलेक्स, ओ ये रही एलेक्स यार, लेकिन इसको यहाँ पे कौन लाया? बेचारी एलेक्स की हालत हो गई है। और ये रहा मेरा स्टीव यार, ओ नो भाई, इन सब की यहाँ पे डेथ बॉडी पड़ी हुई है, और इतना सारा खून पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये ज़ॉम्बी को मार रखा है, ओ शिट। लेकिन ये सब कौन कर रहा? ओ ये तो एक मकड़ी है, ये खतरनाक हॉरर मकड़ी है गाइस, ओ माई गॉड। यार ये कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें? रुको चेक करके आता हूँ ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लगता है मेरे फार्म से आवाज़ें तो नहीं आ रही कहीं ये। गाइस मेरे को काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, शायद आपको भी आ रही होंगी, और मैं चेक करने जा रहा हूँ कहीं मेरे फार्म से तो नहीं आ रही हैं। ओके मैं अपने फार्म में एंटर करने वाला हूँ, लेकिन ये कौन है? अबे स्टीव तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बस सोएगा नहीं पागल है, रात हो चुकी है, जाके सो के आ जा। और यहाँ पे विलेजर है, ओके तो ये तो आवाज़ नहीं निकाल रहा होगा, ऑफकोर्स इसने नहीं निकाली, कोई और ही होगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे कोई है तो है नहीं यार, फिर मैं यहाँ पे क्यों आया यार? लगता है मेरा वो वहम होगा। और आयरन गोलम भाई, सारा काम ठीक चल रहा है ना? ओके ब्रो, ओके 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 ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर वो आवाज़ कौन निकाल रहा था यहाँ पे? चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। ऊपर कुछ भी नहीं है भाई यार। गाइस मेरे को फिर से आवाज़ आई यार, कौन है यहाँ पे यार? ये मेरे को कौन परेशान कर रहा रात के अंदर भाई? मेरे को सोने नहीं दे रहा कोई। रुको दोबारा देखता हूँ इसके अंदर कौन है भाई, मेरे को परेशान करे पड़े ये लोग। वेट, ये खून कहाँ से आया भाई? ओ ये क्या, ओ स्टीव को और उसके डॉग को यहाँ पे किसने मार दिया भाई? थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे ये लोग, खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे मेरे से, मैंने इनसे बोला था कुछ भाई, और ये अब मरे हुए पड़े हैं। लेकिन ये कौन कर रहा है, और ये क्या? ओ आयरन गोलम को मार दिया भाई बेचारा, ये मेरी भाई, ये तो मेरा बॉडीगार्ड था, इसको भी मार दिया। लेकिन ये सब कौन कर रहा है यहाँ पे यार? कौन घुसाया है हमारे वर्ल्ड में लिटरली? और ये क्या, विलेजर को तेरे को मार दिया यार, विलेजर को भी मार दिया, शिट। ओ माय गॉड यार, ये क्या हो रहा है, पता नहीं कौन घुसाया है भाई, चेक तो करना पड़ेगा। ऊपर देखते हैं ऊपर कौन है, ऊपर ओके ऊपर तो कोई भी नहीं है गाइस यहाँ पे।
एंड यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। एंड ये कौन है? अबे यही है। ओ माय गॉड, इसका मतलब, ओ भाई मेरे को मार दिया इसने, मतलब इसी ने सबको मारा है। लेकिन ये है कौन? तो गाइस, आज एक सुहाना दिन है और मैं जा रहा हूँ माइनिंग करने के लिए। यहाँ पर मेरा फार्म भी है, लेकिन मैं जा रहा हूँ माइनिंग करने के लिए अपनी सीक्रेट केव के अंदर। सो लेट्स गो। सो गाइस, मैं माइनिंग करके आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितना सारा सामान है, और वहाँ मेरे को बहुत सारे स्टोन मिल गया। चलो चलते हैं अपने घर पे। वेट, मेरे फार्म में, मेरे यहाँ पे, ये मेरी शीप को, ये क्या हो गया? ओ, मेरी शीप को कोई खा गया आगे। यार मेरी शीप को किसी ने खा लिया गाइस, मेरी सभी की सभी शीप को किसी ने खा लिया भाई, सबको जिंदा खा लिया। लेकिन कौन है जो जो कि जिंदा खा गया इन्हें? और एलेक्स तो ठीक है ना घर में, देखता हूँ। ओ एलेक्स यहाँ पे है ही नहीं शायद। लेकिन चलो गाइस, मैं अपना सारा सामान यहाँ पे रख देता हूँ। और लेकिन मेरी शीप को मारा किसने, मेरे को पता लगाना पड़ेगा भाई। ये बहुत ही बड़ी बात है यार, मेरी शीप को मार दिया। मैंने इतनी मेहनत से पाला था उन्हें, लेकिन बेचारी को फालतू में मार दिया गया, पता नहीं किसने। सो गाइस, मैं इस बात का पता लगाने के लिए इस, ओ माई गॉड, ये कौन है? ये तो वही वैसा ही एक क्रीचर है जो कि लास्ट टाइम मेरे को मिला था। भाई ये कहाँ गायब हो गया यार? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे था गाइस। वो क्रीचर कहाँ गायब हो गया यार? वो क्रीचर गायब हो चुका है। भाई शिट। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अभी आ चुके हैं डेजर्ट की सवारी में, यानी कि ये एक डेजर्ट है। एंड यहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया फार्म है यहाँ पे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने गाय पाल रखी हैं जो कि मेरी हमेशा हेल्प करती हैं, मतलब दूध वगैरह देने में। और कौन सी हेल्प करेंगी यार। और हम लोग जा रहे हैं अपने घर में। मैं आपको अपने घर का टूर देता हूँ। ये देखो गाइस, कितना बड़ा घर है हमारा। यहाँ पर रहता है हमारा प्यारा दोस्त स्टीव, इसका नाम राहुल है। एंड ये यहीं पर हमेशा सोता रहता है भाई। लेकिन चलो ऊपर दिखाता हूँ आपको। ऊपर ये मेरा रूम है, एंड यहाँ पे ये एलेक्स का रूम है। ये एलेक्स यहाँ पे रहती है, और हम सब बहुत ही मज़े करते हैं, पूरे पूरे दिन हम लोग खेलते रहते हैं। एंड यहाँ पे रहती है, रुको आपको दिखाता हूँ, और भी कोई है यहाँ पे शायद। हाँ गाइस, आप लोगों ने मेरा घर देख लिया होगा, यही मेरा घर है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा घर है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी महंगा खरीदा है भाई। मतलब पैसे देने के बाद ही हमको ये मिला है, फ्री में हमको नहीं मिलता कुछ भी। अबे यार गाइस, रात हो चुकी है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और खाने के लिए, अबे रात नहीं हुई है, बाहर तो दिन है, मुझे लगा रात हो गई भाई। अच्छा अंदर रात थी, मैं तो भूल ही गया था यार। ये क्या हो गया? अरे ये, अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई? ये क्या हो गया? मेरी गाय, शीप, पिग एंड ये सब कुछ यहाँ मरे हुए पड़े हैं, लेकिन इन सबको ही किसने मार दिया यार? और कहीं मेरे घर वालों को भी? ओ ये क्या? ओ नो यार, नो यार, ये क्या कर दिया इन लोगों ने यार? मेरा प्यारा दोस्त स्टीव, राहुल तुझे क्या हो गया? ऊपर एलेक्स तो ठीक है ना, शायद ठीक हो एलेक्स, देखते हैं। ओ और ये भूतनी ये यहाँ पे क्या कर रही है यार? ये भूतनी, ओ ये मेरे को मार देगी, ये भूतनी बहुत ही खतरनाक है गाइस। ओ नो यार, ओ भाई ये कितनी खतरनाक है, आप लोग देखो तो इसको एक बार। शिट यार, मैं तो गया। सो गाइस, इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डर गया हूँ। और मैं भी, रात हो रही है और मैं इसी यहीं पर, मतलब मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ और यहाँ पे रहने के लिए आ चुका हूँ। ये एक दूसरा आइलैंड है। और अबे यार, ये क्या होता है मेरे साथ? जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को ऐसी चीज़ें को दिखाई देती हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे विलेजर्स मरे हुए पड़े हैं, लेकिन ये आखिर हो क्या? ओ यहाँ पर भी एलेक्स को, यार ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ यार? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अंदर क्या हो रहा है भाई? यार इतनी रात के अंदर ये सब काम होते हैं क्या यहाँ पे? चलो, और ये क्या, इतने सारे स्टीव मरे हुए पड़े हैं यहाँ पे, इनकी डेथ बॉडीज पड़ी हुई हैं यहाँ पे। यार इनकी डेथ बॉडी यहाँ पे क्यों पड़ी है भाई? भागो यहाँ से, लगता है मैं गलत जगह आ चुका हूँ। लगता है मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, और कहीं वो मॉन्स्टर मेरे को ना मार दे जिसने इन लोगों को मारा है। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। ओ इसने मेरे को पकड़ लिया भाई। ओ भाई ये तो मेरे सामने खड़ा, लेकिन है कौन? ओ भाई ये क्या कर दिया? ओ भाई मेरे को इसने जान से मार दिया। ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ भाई? ये कहाँ पर हूँ मैं? चलो इस घर से बाहर चलते हैं यार,
वैसे ये मेरा ही घर है, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी रात को कैसे उठ गया यार? मैं तो हमेशा सुबह उठता हूँ सोकर, फिर मैं रात को कैसे उठ गया आज? भाई लगता है कुछ तो होने वाला। चलो बाहर देखते हैं बाहर क्या हो रहा है गाइस। सो लेट्स गो, चलो बाहर चलते हैं। ओ ओ, ये कौन है मेरे सामने? ओ माय गॉड गाइस, मेरे सामने ये देखो कौन है। ओ भाई ये कौन था गाइस? क्या आप लोग जानते हो इसे? प्लीज कमेंट करो फटाफट से, कौन है? ओ वो सामने की तरफ जा रहा है भाई। भाई ओ ओ भाई मोमोगल। हाँ ये क्या हो गया भाई? भाई कहाँ चलेगी मोमोगल? अबे गाइस ये सिर्फ एक सपना था। अरे वाह ये सपना था, अच्छा वही सच नहीं हुआ। और बाहर एलेक्स है, वो मेरे को बाहर बुला रही है, उसके पीछे एक बी पड़ी हुई है। अरे एलेक्स मैं तेरे को बचाने के लिए आ रहा हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे को उस बी से बचा लूंगा एलेक्स प्लीज। ओ एलेक्स तेरे को छोड़ना जब। ओ ये बी कितनी बड़ी है भाई, रुको इस बी को पहले मेरे को मारना पड़ेगा। अरे बी प्लीज स्टॉप हो जा प्लीज यार, बी फालतू में तो नौटंकी कर रही है। अब रुको मैं इस बी को अपने एरो से मारता हूँ, उसके बाद ये मरेगी। अरे बी जा यहाँ से, जा अपना काम कर जाके जा। ओके सो एलेक्स तुम ठीक हो ना? कहीं बी ने तुम्हें काटा तो नहीं कहीं? ओके तो अच्छा हुआ तुम्हें बी ने काटा नहीं, लेकिन एलेक्स तुम्हारे पीछे पड़ी कैसे यार? सो चलो एलेक्स चलते हैं हम लोग। चलो एलेक्स हम लोग चलते हैं ऊपर इस टावर के ऊपर, देखते हैं भाई इसके ऊपर कुछ है क्या। चलो फटाफट चलते हैं। सो चलो चलते हैं टावर के ऊपर। ओके हम लोग आज, ओ यहाँ तो फोन पड़ा हुआ है। और ये क्या गाइस, यहाँ पर तो स्कैरी पोर्टल है, लेकिन हम लोग इसके अंदर चलें क्या? चलो भाई इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिलता है भाई। वैसे ये टावर का सॉरी ये पोर्टल काफ़ी खतरनाक ना निकले यार। सो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। लेट्स गो गाइस चलो। ओके हम लोग आ चुके हैं इस टावर के अंदर। एंड गाइस यहाँ पर हमको ये देखो, यहाँ पे ये कैसा मौसम है, रात हो रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे खून के निशान बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर ओके ये तो कुछ है यार, ये क्या है एलेक्स? ओ ये तो कुछ है भाई। ओबे यार पता नहीं क्या है, लिटरली मुझे नहीं पता, लेकिन चलो हम लोग चलते हैं इस तरफ। इस तरफ क्या मिलेगा हमको? ओबे ये रही सीक्रेट केव, चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर। ओ भाई इतना सारा खजाना, मजा आ गया भाई, हम तो बहुत ही अमीर हो गए भाई। वो लिटरली इतना सारा खजाना हमको मिल चुका है, मेरे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग इतने अमीर हो चुके हैं अब। ओ भाई इतना सारा खजाना हमको मिल गया। ओ वो कौन है गाइस ऊपर? सायरन हेड। ओ अब क्या करें गाइस, भागो फटाफट भागो यहाँ से। अब ये बंद कौन कर रहा है गाइस? सायरन हेड ने रास्ता बंद कर दिया, हम लोग कहाँ भागें अब यार? वो सायरन हेड ऊपर से हमारी तरफ आ रहा है, भागो यहाँ से जल्दी एलेक्स, टाइम नहीं है हमारे पास। ओ भाई वो देखो सायरन हेड हमारे पीछे आ रहा है। ओ भाई अब क्या करें हम लोग, जल्दी यार क्या करें भाई? नहीं अरे नहीं भाई, ओ उसने एलेक्स को पकड़ लिया, वो पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहा है। छोड़ दे एलेक्स को, एलेक्स को छोड़ दे सायरन हेड प्लीज, उसको छोड़ दे प्लीज प्लीज प्लीज, छोड़ दे उसको सायरन हेड प्लीज। गाइस ये मान ही नहीं रहा है, ये उसको छोड़ ही नहीं रहा है। अबे कहाँ पे लेके जा रहा है सायरन हेड उसको? नहीं गाइस वो एलेक्स को लेके पता नहीं कहाँ पे चला गया है, और अब तो मैं उसे कभी ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। अब मैं इतने सारे पैसे का क्या करूँगा यार? छोड़ो भाई मैं क्या करूँ अब यार, वो सायरन हेड एलेक्स को पता नहीं कहाँ पे ले गया यार, पता नहीं वो कहाँ ले गया होगा। वेट ये क्या है गाइस, यहाँ पर देखो। ओ भाई ओ भाई ओ ये तो सायरन हेड है यार, ये क्या है गाइस? यहाँ पर तो एक सायरन हेड का टेम्पल लग रहा है मेरे को, पता नहीं ये इतना बड़ा उसका सर ऊपर लगा हुआ है सायरन हेड का। और ये रहा एंडर चेस्ट, ओ इसके अंदर गन एंड एक सॉर्ड मिल चुकी है हमें। गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा इस टावर के अंदर, मुझे लगता है कि इसके अंदर पक्का सायरन हेड है और मुझे उससे फाइट करनी पड़ेगी और अपनी एलेक्स को बचाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके अंदर जाऊं। और अब ये लोग कौन आ रहे हैं साइड से? ओबे ओ भाई ये लोग कौन है? रुको इनको मारता हूँ गन से। यार ये कहाँ से आ गए यार मेरे को परेशान करने के लिए? अभी यहाँ से हटो भाई ये लोग। ओबे ये भी तो एक सायरन हेड है ना? ओ गाइस ये कौन है बताओ मेरे को? अबे नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं मेरे पास मत आओ, मैंने मार दिया एक को, लेकिन वहाँ पे दो और लोग हैं यार, लेकिन इतने सारे को मैं मारूंगा कैसे? और ये लोग भी मेरी तरफ ही आ रहे हैं। ओ नो नो नो, यहाँ मत आओ प्लीज़, यहाँ मत आओ प्लीज़, तुम लोग मत आओ प्लीज़, मुझे मत मारो, मेरे को छोड़ दो प्लीज़, मत आओ यहाँ पे। देखो ये लोग मार ही नहीं रहे हैं गाइस, ये लोग मेरे पास आए पड़े हैं भाई, छोड़ दो मेरे को, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से गाइस, कुछ करना पड़ेगा मुझे, फटाफट भागते हैं यहाँ से भाई इससे पहले कि ये मेरे को पकड़ ले। लेकिन भाई रुको रुको, यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, एंड इसको भी एंड इसको भी, एंड यहाँ पे
ये कुछ ऑन होने वाला है क्या? ओ भाई हट जाए ऐसे प्लीज। यार ये क्या करने वाला है, क्या हुआ इसको? ओ ये मेरे को मार क्यों नहीं रहा गाइस? लगता है हाँ मैंने लीवर को ऑफ कर दिया तो इसका जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया यार, हमने इसको आसानी से मार दिया लीवर को ऑफ करके। ओ ऊपर से आ रहा है सायरन हेड, जो कि वो वही है, वही तो वही है जो एलेक्स को लेके गया था। ओ अब हमारा क्या होगा? ओ नो नो नो, अरे हम तो गए भाई, अब क्या करें? ये बहुत ही खतरनाक सायरन हेड है भाई, यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा। चलो यहाँ से भाग लेते हैं इससे पहले कि ये हमारी जान ले ले। अरे भाई ये तो मेरी तरफ ही चलता हुआ आ रहा है। अरे मेरे को छोड़ दे सायरन हेड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे को छोड़ दे सायरन हेड प्लीज़, छोड़ दे मेरे को सायरन हेड प्लीज़, मैं क्या करूँ? अबे ये मेरे को मार देगा, मैं कहाँ गिर गया? गाइज ये हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं? ये कहाँ पर हूँ मैं भाई? ये अच्छा मैं तो गड्ढे के अंदर गिर गया था। और ये क्या है? अरे ये तो बहुत ही तगड़ी शॉर्ट है यार, रुको इसको लेता हूँ भाई, ये शॉर्ट बहुत काम आने वाली है हमारे। रुको भाई लेकिन शॉर्ट मेरे को मिल नहीं रही है, रुको पहले एप्पल खाते हैं, भूख लगी बहुत तेज भाई, बहुत तेज मेरे को भूख लग रहा है। सो मैंने एप्पल खा लिया गाइस। लेकिन यार ये मैं किस केव के अंदर आ चुका हूँ? लगता है ये कोई सीक्रेट केव है और मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ। लेकिन मेरे को अंदर जाके ओ एलेक्स तो मेरे को मिल चुकी हो गाइस, मेरे को फाइनली एलेक्स मिल चुकी है, ये देखो। और भाई ये एकदम सेफ है भाई, मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि ये सेफ है यार। भाई मेरे को लगा था कि इसको तो उसने खा लिया होगा सायरन हेड ने, लेकिन ये तो सेफ है, तो बहुत ही अच्छी बात है एलेक्स। यार हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन कैसे निकलेंगे? ओ तूने ये शॉर्ट कैसे ले ली यार? मैं तो ये ले नहीं पा रहा था। लगता है तेरे हाथ में कोई जादू है क्या एलेक्स, या तू जानती है कोई जादू वादू? चलो कोई बात नहीं, एलेक्स ने ये ले लिए। सो चलो एलेक्स निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ये ओ यार यहाँ तो टूटा हुआ ब्रिज है, ये बता कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ से बाहर मेरे को निकलना पड़ेगा भाई। और ये कौन आ रहा है यहाँ पे? अबे ये तो हगी वगी आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ कर एलेक्स। यार तेरे पास शॉट है एलेक्स, मार दे इन सभी को। हाँ तू इन्हें मार सकती है आराम से, मार दे फटाफट से, मैं तब तक यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी जान को बचाने के लिए। अबे एलेक्स क्या हुआ तेरे को, तू मार नहीं पा रही है क्या? गाइस यार एलेक्स उनसे डर रही है, वो उन्हें मार ही नहीं पा रही है। लेकिन एलेक्स तेरे को मारना पड़ेगा, रुको मैं मारता हूँ, मैंने शॉर्ट ले ली आयरन की और मैं इनको आयरन की शॉर्ट से ही मार दूंगा। ओ वो देखो लावा के अंदर गिर चुके हैं भाई, मतलब वो लोग इतने कमज़ोर हैं कि वो लोग लावा के अंदर गिर जा रहे हैं। लेकिन रुको पहले हम लोग इनका मारते हैं। चलो भाई ओ ओ भाई अबे अबे अभी कितना खतरनाक होगी बगी है भाई, मारो इसे, अबे हटो यहाँ से यार। ओके एंड यहाँ पे एक और बचा हुआ है, इसको भी मारना पड़ेगा, जल्दी मारो इसको फटाफट से। अरे वाह हम लोगों ने इसको मार दिया है। सो एलेक्स हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं यार, बाहर निकलने का टाइम हो चुका है। एलेक्स हम लोग बाहर जाएंगे कब फिर यार? आज जाएंगे तो हाँ, तो चलो वैसे निकलते हैं यहाँ से। और वैसे ये केव काफ़ी खतरनाक लग रही है मेरे को। हाँ शायद बाहर निकलने का रास्ता इधर ही होगा ना, तेरे को पता है क्या बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पे है? मतलब तेरे को पक्का पता है कि ये रास्ता यही है बाहर निकलने का? तो चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, यहाँ से बाहर निकल। ओ अभी हम लोग बाहर कहाँ निकल रहे हैं, हम तो अंदर जा रहे हैं। और यार एलेक्स बाहर निकलना है हमें। लेकिन गाइस यहाँ से एक बर्ड आ रही है हमारी, शायद ये हमारी हेल्प करने वाली है। हेलो ये बर्ड क्या करने वाली है? ओ ये बर्ड हमको रास्ता दिखाने वाली है कि आई थिंक रास्ता यहीं पे है। हाँ बर्ड हमको रास्ता दिखा रही है और रास्ता बाहर निकलने का शायद यहीं कहीं पे है। और ये मिल चुका है, ओके मिलने वाला है हमें। ओ फाइनली बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, चलो बाहर चलते हैं। वाओ अरे वाह बाहर निकल के कितना मज़ा आ रहा है यार। गाइस देखो फाइनली हम लोग उस केव से निकल आए हैं बाहर, और भाई यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आ रहा है। वेट ये क्या हो गया भाई? अभी ये मौसम काला रात क्यों हो गई यहाँ पे? ये मौसम काला क्यों हो गया यार, रात क्यों हो गई एकदम से यहाँ पे? यार गाइस मेरे साथ ये क्या होने वाला है, अब कोई आने वाला है क्या? ओ माय गॉड सायरन हेड, ओ भाई साहब ये सायरन हेड, ओ ये तो बहुत ही बड़ा है गाइस, गाइस ये तो बहुत ही बड़ा सायरन हेड है। और ये दोबारा आ चुका है, ओ वो सायरन हेड ने गाइस एलेक्स को मार दिया है और अब ये मेरी तरफ ही आ रहा है। लेकिन ओ भाई ये कितना ज्यादा बड़ा है गाइस, प्लीज मेरे को बचा लो आप लोग।